शहर में साइबर क्राइम की घटनाओं में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। रोजाना कई मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल छात्रों का दाखिलों का दौर शुरू है, ऐसे में साइबर क्राइम के अपराधी छात्रों को निशाना बना रहे हैं। ऐसी एक घटना सामने आई है जिसमें छात्रा शुभ्रा पाध्ये को कॉलेज में दाखिला लेना था, जिसके लिए उन्होंने पेमेंट किया। वो पैसे छात्रा के अकाउंट से तो कट गए मगर कॉलेज के अकाउंट में जमा नहीं हुए। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। फिलहाल छात्रों का दाखिलों का दौर शुरू है, ऐसे में साइबर क्राइम के अपराधी छात्रों को निशाना बना रहे हैं। छात्रा शुभ्रा पाध्ये को कॉलेज में दाखिला लेना था, जिसके लिए उन्होंने पेमेंट किया। वो पैसे छात्रा के अकाउंट से कट तो गए मगर कॉलेज के अकाउंट में जमा नहीं हुए। छात्रा ने जब कॉलेज प्रशासन से बात की तो उन्हें दोबारा पेमेंट करने के लिए कहा गया। घटना के बाद छात्रा ने तुरंत नागपुर क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और अपनी आपबीती बताई, जिसके तुरंत बाद साइबर क्राइम विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक बागुल को बताई, जिन्होंने एक्शन मोड लेते हुए तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद छात्रा का पैसा जिस अकाउंट में गया था उसे तुरंत फ्रीज कर आगे की कार्रवाई की गई। बहरहाल साइबर क्राइम के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। साइबर अपराधी नए नए पैंतरे उपयोग में लाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम पर नजर रखने वाला साइबर क्राइम विभाग भी सक्रिय नजर आ रहा है। विभाग ने जनता से अपील की है कि वह इस तरह कोई भी संदिग्ध व्यवहार ना करे। नमस्ते, मेरा नाम शुभ्रा पाध्ये है और मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने हायर स्टडीज के लिए एक कॉलेज में अप्लाई किया था एंड उनके थ्रू उनसे मुझे एक मेल आया सिलेक्शन का। उस मेल में एक लिंक था जिसके ऊपर जाकर मुझे पेमेंट करना था 1,00,000 रुपीज का, एंड मैंने वहाँ पर जाके नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किया तो ट्रांजैक्शन के एंड में एरर आया और मेरा पैसा शायद कहीं और, मेरे अकाउंट से तो डिडक्ट हो गया और शायद कहीं और चला गया। मैंने कॉलेज को, जिस कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था, जिनसे मुझे मेल आया था, उनको मैंने उनसे रीच आउट किया तो उन्होंने कहा कि वो पैसे उनके अकाउंट में नहीं गए हैं, तो उन्होंने मुझे नया पेमेंट करने कहा। तो मैंने जब नया पेमेंट किया तब वो हो गया, बट ये जो मेरे पैसे थे पहले जो मैंने किए थे 1,00,000 रुपीज के, वो मुझे लगा शायद कहीं और चले गए हैं। तो मैंने जल्दी से आके साइबर पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेन की। वहाँ पर ज्योति सहारे मैम और अशोक बाबुल सर ने मेरी बहुत हेल्प की, मेरी कंप्लेन रजिस्टर करी एंड उनके रिपीटेड मेल्स जो उन्होंने कंपनी को किए, तो उससे मैंने 24th को कंप्लेन की थी, 25th को ही अगले दिन मुझे मेरे पूरे पैसे 1,00,000 रुपीज मेरे अकाउंट में वापस रिफंड हो गए थे। सो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है या फ्रॉड या कुछ भी, तो जल्दी से आकर साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाएं ताकि आपको भी आपका पैसा वापस मिल सके। डिपॉजिट का फीस म्हणून जेवढी अमाउंट असते तेवढी विद्यार्थी पे करतात। हार्ड अर्न मनी असतो, किराणा शॉप आहे त्यांच्या वडिलांचा, अतिशय मेहनत घेऊन त्यांनी पैसा कमवलाय आणि यांनी 1,00,000 रुपये एका पर्टिक्युलर लिंक वर भरा असं यांना सांगण्यात आलं होतं। त्यांनी तो पैसा भरला, मात्र ती लिंक कदाचित फ्रॉडुलंट असेल, कारण नंतर यांनी कॉलेजला विचारल्यावर कॉलेज म्हणे की आपको पैसा हमारा नाही मिला, आपको फिर से 1,00,000 भरना पडेल। यांनी पुन्हा 1,00,000 भरून ऍडमिशन सिक्युअर केली, बट इन द प्रोसेस जो चुकीच्या ठिकाणी पैसा गेला होता, सुदैवाने त्या इथं आल्या आमच्या ज्योती मॅडम, एपीएल लांजेवार मॅडम आणि आमच्या टीमने खूप मेहनत घेतली। तो पेमेंट वॉलेटच्या नोडल ऑफिसरला इमिजिएटली मेल केला, त्यांच्याशी बोललो, वारंवार फॉलोअप केलं, तो पैसा त्या अकाउंटमध्ये फ्रीज करवला किंवा लिंक करवला आणि आफ्टर कंटिन्युअस फॉलोअप वी आर व्हेरी हॅपी अँड प्राऊड टू टेल ऑल ऑफ यू की या विद्यार्थिनीचा पैसा आम्ही 24 तासाच्या परत देण्यात यशस्वी ठरलोय। आपल्याला माझी विनंती आहे की कृपया आपण ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करताना कुठलंही ऍप किंवा लिंक डाऊनलोड करायला सांगितली किंवा त्याच्यावर पाठवायला सांगितली तर तुम्ही कन्फर्म केलं पाहिजे की ती अधिकृत आहे अथवा नाही, अदरवाईज आपल्याला पण कदाचित असं चुकीच्या अनुभवाला सामोरं जायला लागू शकतं। आतापर्यंत आम्ही जवळजवळ 1,60,00,000 रुपये लोकांचे परत करण्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहोत। आमचे पोलीस आयुक्त आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर, ॲडिशनल सीपी मिस्टर सुनील फुलारी सर, डीसीपी मिस्टर विवेक मासळ सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमची टीम खूप मेहनत घेते। मात्र जनतेला माझी विनंती आहे की आपण सायबर सेफ्टीच्या बाबतीत जास्तीत जास्त अवेअर व्हावं, जेणेकरून आपल्यासोबत होणार नाही आणि जर काही झालं तर आम्ही आपल्या सेवेसाठी कटिबद्ध आहोत। थँक्यू। अभितक, सायबर सेफ्टी का इम्पॉर्टन्स क्या आहे, सायबर लिटरसी का इम्पॉर्टन्स क्या आहे, सायबर क्राईम किसको बोलते हैं, साइबर क्राइम के टाइप्स क्या है, साइबर क्राइम का मोडस ऑपरेंडी क्या है और उससे कैसे बचा जाए, अभी आखिरी में मैं आपको कुछ नए ट्रेंड फ्रॉड के वो बताऊंगा। हल्दीराम का ऐड आता है फेसबुक पे, उसके ऊपर बोला जाता है कि एक पे एक थाली फ्री है,
अभी हल्दीराम जिसने खाया है मेरे रेपुटेड ब्रांड, वो दे आर ट्राइंग टू मेंटेन देयर टेस्ट एंड क्वालिटी, यू नो एक स्टैंडर्ड अपना बना के रखा है, एक रेपुटेशन है उनका। बट उसका मिसयूज करके कुछ क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल्स वहाँ पे एक सेलफोन दिया होता है जो कि फ्रॉडस्टर का होता है। द मोमेंट टू डायल इट दे विल इंडल्ज यू इन सच ए टॉक वेर दे विल ट्राई टू गेट सम वाइटल इन्फॉर्मेशन लाइक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, OTP, CVV, पिन नंबर एक्सेट्रा। एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर, मेरे पास इसकी बहुत सारी कंप्लेंट आई है, 10 में से 9 लोग खुद जानकारी देते हैं, पासवर्ड भी दे देते हैं, OTP भी शेयर कर देते हैं। नाउ यू टेल मी इफ यू आर, अगर आप अपनी जायदाद लुटाने के लिए बैठे हो तो लूटने के लिए तो लोग तो बैठे ही हैं। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम एंड अदर क्राइम इज दैट हियर 95% ऑफ मोर साइबर क्राइम एफर्ट्स ओनली इफ यू आर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन इन अ वल्नरेबल मैनर। तो ये हल्दीराम के बहुत सारे क्राइम कंप्लेंट्स आई है, उसमें हमने बहुत सारी मैलिशियस वेबसाइट्स थी जो हल्दीराम की फ्रेंचाइजी, हम देंगे हमको 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो, लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है वो हमने क्राइम रजिस्टर किया है, इन्वेस्टिगेशन में है, बहुत सारी मैलिशियस वेबसाइट्स हम डिलीट। सो यू हैव टू गिव सम मेंबरशिप फीस, यू आर पेइंग दैट 1000, 1000, 5000, 10000, ये कभी कभी ज़्यादा या कम भी होती है। तो और आप आगे जाते हो फिर आपको कुछ महिलाओं के पिक्स या फोटोज या वीडियो, इसको हम न्यूड या अश्लील बोल सकते हो, ऐसे दिखाए जाते हैं, और आपको पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी लड़की आपको चाहिए। फिर आप धीरे से कोई लड़की को चूज करते हो तो आपको बोला जाता है कि ये इसका मोबाइल नंबर है, आप इसके ऊपर कॉल कीजिए। आप इमीडिएटली कॉल करते हो, उधर से वो लड़की बोलती है कि ठीक है यहाँ पे आपको मिलने आना है, बट उससे पहले आप मोबाइल के ऊपर मेरे साथ कुछ करना चाहोगे? आप उनसे, मेरे पास जो कंप्लेंट आई है सभी लोग बोलते हैं कि हाँ। फिर वो लड़की उधर से वीडियो कॉल करती है, आप वीडियो कॉल एक्सेप्ट करते हो, वो लड़की धीरे धीरे असली हरकतें करती है, शी स्टार्ट्स रिमूविंग हर क्लोथ्स एंड शी वॉन्ट्स यू टू डू द सेम थिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओबेइंग हर इंस्ट्रक्शंस बिकॉज आप उस रोमांटिक मूड में चले गए, तो फिर आपको लगता है कि ये लड़की और हम हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं। बाद में वो असली हरकतों का वीडियो 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का ख़त्म होता है, और आपको बोला जाता है धीरे से, फिर आपको उसका स्क्रीनशॉट या वीडियो क्लिपिंग आ जाता है, आपको बोला जाता है 50,000 दो, 1 लाख दो, वरना ये वीडियो या क्लिप वायरल कर देंगे। आप डर जाते हो, आपका पूरा नशा उतर जाता है, आप जमीन पे आ जाते हो, आप सोचते हो कि मैं क्या सोच रहा था और क्या हो गया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ प्रकाश शुक्लवार, नागपुर।